फ्रेंड्स, वेलकम टू वैम्पायर स्टडी। देखिए, अब तक हमने बात की है कि बेसिकली हमसे हरियाणा में क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से रिलेटेड या कैसे पूछे जाते हैं, तो उसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। आज बात करते हैं हम मंडल की। सबसे पहले आता है हरियाणा में कुल मंडल कितने हैं, तो हमारे हरियाणा में कुल मंडल है 6। कितने हैं? 6। उसके बाद हमसे पूछ लेता है उपमंडल कितने हैं, तो अगर टोटल उपमंडल की बात करें तो वो है हमारे 74। कितने हैं? 74। उसके बाद आती है तहसील, हरियाणा में टोटल तहसील, तो टोटल तहसील की अगर बात करें हम तो वो है हमारी 93। उसके बाद आती है कि नई तहसीलें कितनी बनी है, न्यू तहसीलें वो बनी है हमारी 10। कितनी बनी है? 10। अगर उसी में सब तहसील की बात करें तो वो है हमारी 50, और अगर न्यू सब तहसील की बात करें तो वो आती है हमारी 11। कितनी आती है? 11। अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा तहसीलें किस जिले में है। अगर सबसे ज्यादा तहसीलों की बात करें तो वो है हमारे हिसार जिले में। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि टोटल कितनी है, तो हमारी टोटल की अगर बात करें तो वो हमारी 8। कितनी है? 8। उसके बाद आता है कि किस जिले को सबसे ज्यादा जिलों की संख्या लगती है, हरियाणा में कौन सा ऐसा जिला है जिसको सबसे ज्यादा जिलों की संख्या लगती है, तो वो है हमारा जींद। ये तो आता है हमारा फर्स्ट नंबर पे, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है कि सेकंड नंबर पे कौन सा जिला है जिसको सबसे ज्यादा जिलों की संख्या लगती है, तो अगर सेकंड नंबर पे बात करें तो वो आता है हमारा रोहतक। कौन सा आता है? रोहतक, या फिर आता है हिसार, ये आते हैं हमारे सेकंड नंबर पे। फिर आता है कि 6 मंडल, हमने भी बात की थी टोटल मंडल कितने हैं 6, अगर उनके नाम पूछे हमसे तो वो है हमारे करनाल, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक और फरीदाबाद। क्लियर है? अब इसमें हमसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि इसमें न्यू मंडल कौन से हैं। देखिए, जो न्यू मंडल है वो है हमारा करनाल और हमारा फरीदाबाद, ये हमारे 2 न्यू मंडल है। अब बात आती है सबसे बड़ा मंडल कौन सा है और सबसे छोटा मंडल। अगर सबसे बड़े मंडल की बात करें तो वो तो है रोहतक, ये तो है हमारा सबसे बड़ा। अगर सबसे बड़े की बात करें तो वो है हमारा रोहतक, और अगर सबसे छोटे मंडल की बात करें तो सबसे छोटे में आता है फरीदाबाद, ये आता है हमारा सबसे छोटे मंडल में। क्लियर है? देखिए, अब बात करते हैं हरियाणा के गठन के समय कुल जिलों की। अगर हरियाणा के गठन के समय कुल जिलों की बात की जाए तो उस समय जिले थे हमारे टोटल 7। अगर उन 7 के आपसे नाम पूछे जाएं तो देखिए, उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं एक लाइन, कागज अमर है। देखिए, इससे अगर हम बात करें तो देखिए, का से यानी कि करनाल, गैसे हम याद करेंगे गुरुग्राम, जैसे हम याद करेंगे जींद, फिर आता है अमर, अमर यानी कि ऐसे अंबाला, मैसे महेंद्रगढ़, रैसे रेवाड़ी, और है यानी कि हिसार। तो ये हमारे 7 जिले थे, कौन से? करनाल, गुरुग्राम, जींद, अंबाला, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और हिसार। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लेता आपसे कि सबसे बड़ा जिला कौन सा था, तो सबसे बड़े की बात करें तो वो था हमारा हिसार, सबसे बड़ा, और अगर सबसे छोटा पूछे तो सबसे छोटा था जींद। क्लियर है? अब बात करते हैं जिलों के। अक्सर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 20वां जिला कौन सा है, 21वां जिला कौन सा है, या जिला बना कब, तो बात करते हैं 20वां जिला। अगर 20वें जिले की बात करें तो वो हमारा है मेवात नू, और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो ये 4 अप्रैल 2005 को, कब बनाइए 4 अप्रैल 2005 को। फिर आता है 21वां जिला, अगर 21वें जिले की बात करें तो वो है हमारा पलवल, इसकी स्थापना कब हुई 15 अगस्त 2008 को। अब हमारा एक नया जिला बना है चरखी दादरी, इसकी स्थापना कब हुई, देखिए 22वां जिला अगर आपसे पूछे तो 22वां जिला कौन सा है हमारा, चरखी दादरी। देखिए, अगर इसकी बात करें कि ये बना कब, तो ये बना है 1 दिसंबर 2016 को, और देखिए आपको एक डेट और दी हुई होती है 16 नवंबर 2016, लेकिन ये इस डेट को इसकी घोषणा हुई थी, याद रखिएगा। ये बना कब था, 1 दिसंबर 2016 को, अगर 16 नवंबर 2016 दे रखा है तो इस दिन इसकी घोषणा की गई थी। अब बात करते हैं जनगणना की, इससे रिलेटेड भी हमसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत की जनगणना की। देखिए, जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो है कि भारत की पहली जनगणना कब हुई। अगर भारत की पहली जनगणना की बात करें तो वो ये हमारी 1872 में, और आपसे इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि किसके समय में हुई, तो वो हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में। क्लियर है? फिर आता है पहली सुनियोजित। देखिए, इसका मतलब है, देखिए, जो 1872 में हुई थी वो एक रफ एस्टिमेशन था,
लेकिन जो प्रॉपर जनगणना हुई थी वो हुई थी हमारी 1881 में, या पूछा जाता है पहली सुनियोजित तो वो कब हुई, 1881 में। और अगर ये पूछे कि किसके समय में हुई तो वो लॉर्ड रिपन के समय में, क्लियर है। फिर बात आती है हरियाणा की जनगणना की, कि हरियाणा की पहली जनगणना कब हुई, तो देखिए हरियाणा की पहली जनगणना हुई 1971 में। इसमें अक्सर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 2011 में हमारी जनगणना हुई है वो हमारी कौन सी जनगणना है, तो वो हमारी थी जो 2011 में जनगणना हुई है वो हमारी पांचवी जनगणना है। ये क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछा जाता है, तो जो 2011 में जनगणना हुई वो कौन सी है, हमारी पांचवी जनगणना। फिर क्वेश्चन आता है आपका कि भारत की जनसंख्या वर्ल्ड की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, कि जो हमारे पूरे भारत की जनसंख्या है वो पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो वो है हमारा 17.8%। अक्सर एग्जाम में हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिले, हमें कुछ ऑप्शन देंगे उसमें सबसे अधिक का पूछते हैं, या फिर हमसे अक्सर एक क्वेश्चन देखा गया है कि हमसे पूछा जाता है 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिले। अगर हम कुल टोटल जिलों की बात करें 10 लाख से कम जनसंख्या वाले, तो वो हमारे हैं 7। अब उन 7 जिलों के नाम अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद और रेवाड़ी। ये टोटल 7 जिले हैं अगर जिनकी जनसंख्या हमारी कितनी है 10 लाख से कम है। फिर हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले जिले बताइए। अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर आता है हमारा फरीदाबाद, सेकंड आता है हमारा हिसार, थर्ड आता है हमारा भिवानी, फोर्थ आता है हमारा गुरुग्राम और फिफ्थ आता है हमारा करनाल। अगर इनकी जनसंख्या की बात करें तो इस फरीदाबाद की है 18 लाख समथिंग, हिसार की आती है हमारी 17 लाख समथिंग, और भिवानी की आती है 16 लाख समथिंग, और गुरुग्राम की भी कितना आती है 16 लाख समथिंग, और सबसे कम आती है हमारी करनाल की, इसके आती है हमारी 15 लाख के समथिंग। तो ये क्वेश्चन हमसे अक्सर पूछे जाते हैं कि जनसंख्या किसकी ज़्यादा है और किसकी कम। देखिए हमारा अभी जो पीछे एग्जाम हुआ था नायब तहसीलदार का, उसमें हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा में कितनी ग्राम पंचायत है, टोटल ग्राम पंचायत हमसे पूछी गई थी, तो हमारी जो टोटल ग्राम पंचायत है वो है हमारी 6083, क्लियर है। फिर आता है हमारा हरियाणा में पुलिस रेंज कितनी है, अगर टोटल पुलिस रेंज की बात करें तो वो आती है हमारी 5, और वो 5 पुलिस रेंज कौन सी हैं, फर्स्ट है हमारी हिसार, सेकंड आती है रेवाड़ी, करनाल, अंबाला और रोहतक, ये हमारी 5 पुलिस रेंज है। फिर नेक्स्ट आता है हरियाणा में कुल पुलिस कमिश्नरी कितनी है, अगर हरियाणा में कुल पुलिस कमिश्नरी की बात करें तो वो आती है हमारी 3, अगर उन तीनों के नाम की बात करें तो फर्स्ट है पंचकुला, देन गुरुग्राम और लास्ट है हमारी फरीदाबाद। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं, थैंक यू।